बहुत आसान होता है कई बार हम क्या कहते हैं यार सुर ने तो मेरा डाउट ही नहीं लिया और फिर इस बच्चे का डाउट लो बेटा है तो मैंने इस क्लास में पढ़ाया था सॉरी सर मैं भूल गया ये ऐसे बच्चे होते हैं जो बेटा अपने माँ बाप में भी कमी निकाल दे मेरे माँ बाप ने शायद मुझे बचपन में ज्यादा नहीं पीटा ज्यादा पीटा होता तो आज मेरा बेसिक अच्छा होता ये वो बच्चे होते समझी बेटा साक्षी इसलिए मेहनत से परे मत हटना बहुत आसान होता है मेरे बच्चे दूसरों पर लाल लगाना बहुत मुश्किल होता है खुद मेहनत करना इस बात को अपने दिमाग में रखना क्योंकि जब टेस्ट में नंबर नहीं आते ना अक्सर अक्सर लोग ना बहाने बना लेते हैं सर ना मैंने रिवीजन कम किया अरे सर थोड़ी ना प्रैक्टिस कम की गुरुजी बेटा टेस्ट में नंबर किसके कटेंगे जो यहां कमजोर होगा फिर वो बहाने बनाते हैं सर मैं बीमार हो गया था सर मैं क्लास नहीं लगा पाया सर मैं नोट्स नहीं बना पाया सर मेरे ना रिश्तेदार में शादी आ गई थी सर हमारे रिलेटिव्स में किसी का देहांत हो गया था सर योग आपके बहाने कोई नहीं सुन रहा मेरे बच्चे फाइनल रिजल्ट देखा जाएगा आप नौकरी लगे या नहीं लगे कहानी खत्म नौकरी के बाद आपका मैसेज मेरे पास किस तरह का आएगा वो चीज दिखती है इसके अलावा कुछ नहीं आपको एक बार मैं यहां पर ही दिखाना चाहूंगा मेरे बच्चे क्योंकि इससे गर्मा गर्म न्यूज क्या आएगी इससे गर्मा गर्म न्यूज क्या आएगी अभी रिजल्ट आया है मेरे बच्चे ठीक है अभी रिजल्ट आया है इस बात को एक बार दिखा के रखिएगा मैंने एक कम्युनिटी पे क्लिक किया और मेरे बच्चे मैंने रिजल्ट शो करना स्टार्ट किया ये सीपीओ का रिजल्ट देख रहे हैं आप इसमें मुझे एक मैसेज देखो ये हमारे पास रैंक 44 अभी सीपीओ का बच्चा था उसने स्टोरी लगाई ठीक है मैंशन किया मुझे मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन दिया दिल खुश हो गया ठीक है मेरा भी और आपके परिवार का भी बेटा ये मैसेज मेरे पास किस बच्चे का आएगा जो बहाने नहीं जो मेहनत करके दिखाएगा बहाने बाजी नहीं तो कई बच्चा कहता है सर ये तो वो कैंडिडेट है जो पास हुए सर फेल हुए का कोई जिक्र नहीं करता ऐसा क्यों बेटा फेल हुए का जिक्र तो कर ले लेकिन फेल हुआ कैंडिडेट खुद अपना जिक्र कराना नहीं चाहता मेरा तो बहुत मन करता है किसी फेल हुए कैंडिडेट को भी पास फोन करूं हां बेटा क्यों फेल हुआ उससे आप पूछ के देखिए उससे आप पूछ के देखिए मेरे बच्चे सोच के देखिए भगवान ना करे हो सकता आप में से भी कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल हुआ होगा क्यों फेल हुए थे आप मेहनत में कमी रही होगी बेटा रिविजन में कमी रही होगी कुछ ना कुछ चलो भगवान ना करे आप बीमार हो गए तो बात अलग हेल्थ के अलावा अगर कोई भी कारण था बेटा कोई कारण आपका सुनने कोई नहीं बैठा हो नहीं लगे ना नौकरी अब एक साल फिर तैयारी करो इसलिए आज से ही सीरियस हो जाओ इन चीजों को देखकर बाद में कसम से आपके बहाने सुनने बेटा यहां पर कोई भी नहीं बैठा ठीक है कोई भी नहीं बैठा कोई नहीं बैठा आपके बहाने से फिर आप सो तरह के बहाने दे आप बोलोगे फिर बाद में खुद शाम को बैठ के रियलाइज करोगे हाँ गलती तो थी मुझे सीरियस रहना था सर ने बोला था दिन दिन के दस ग्यारह घंटे पढ़ाई लगेगी तो लगेगी ये करना है बेटा आप दिखाऊं